हे नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डली है, लेकिन आज मुझे टाइम पे वीडियो डालनी है क्योंकि मैं बहुत देर से बैठ के सोच रही थी कि यार आपकी भी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही और मैं भी वीडियो नहीं डाल रही, तो पता नहीं क्या क्या सोचने लग रही हूँ, अलग ही ख्याल आ रहे हैं दिमाग में। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि खुद को बिजी रखती हूँ, तो थोड़ा अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए तो अच्छा है क्योंकि आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। और आरती की तबीयत में अभी सुधार है, वो जल्दी से ठीक होके और आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं भी परेशान नहीं हूँ, अभी ठीक हूँ और अब वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। आप अच्छे से वीडियोस को देखिए। और देखिए दोस्तों, अगर कोई परेशानी ऐसी आ जाती है, मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो आप पुरानी वीडियोस को देख लिया करो, अपना रिवीजन कर लिया करो, ठीक है दोस्तों। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आरती घर पर आएगी तो मैं लाइव ले कर आऊँगी आरती को आपके सामने, और वो बताएंगी कि उन्होंने कौन कौन सी परेशानी देखी, उनको क्या क्या दिक्कत आई। दोस्तों, आप प्लीज़ अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का, अपने घर परिवार वाले सभी का ध्यान रखो, क्योंकि आप लापरवाही करोगे तो वो लापरवाही काफ़ी मतलब दुखदायी भी हमारे लिए हो सकती है। इसीलिए आपको अपना ख्याल रखना है और अच्छे से रहना है, ठीक है, यही कहना है मेरा। और बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पर, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम बल्लभ संप्रदाय के बारे में सारी जानकारी आपको दे चुके हैं, अब हम निम्बार्क संप्रदाय के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि निम्बार्क संप्रदाय है, इसको सनकादि और हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं बताती हूँ कि क्यों जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की वो भगवान श्रीहंस है, श्रीहंस भगवान है, इन्होंने दीक्षा दी थी सनकादि को, ठीक है। भगवान श्रीहंस है, इन्होंने दीक्षा दी सनकादि को, सनकादि ने दीक्षा दी नारद मुनि को, और नारद मुनि ने दीक्षा दी आचार्य निम्बार्क को। इस तरीके से ये कड़ी बनती आ रही है, तो इन सभी के नाम से भी इस संप्रदाय का नाम जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए देखिए, इसको हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, सनकादि संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, और निम्बार्क संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। नारद मुनि है, इन्होंने भी दीक्षा दी, तो इनका भी यहाँ पर जिक्र होगा क्योंकि ये गुरु है किसके, निम्बार्काचार्य के, ठीक है दोस्तों। निम्बार्काचार्य के ये गुरु है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, हमारा जो निम्बार्क संप्रदाय है उसके प्रवर्तक है, उनका नाम है निम्बार्काचार्य, ठीक है। इनके बचपन का नाम, या फिर कहे कि इनकी जो शैशव अवस्था है उसका नाम क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार, तो ये है नियमानंद, ठीक है। इनका दूसरा एक और नाम माना जाता है, वो है आरुणि, ठीक है। तो आपको मैं बताती हूँ कि इनका निम्बार्काचार्य नाम क्यों पड़ा, क्या कहानी है इसके पीछे की, ठीक है। दोस्तों, इनका जन्म हुआ दक्षिण भारत में, ठीक है, इनका जन्म हुआ दक्षिण भारत में, लेकिन इनके बचपन से ही इनके मन में एक रट लगी हुई थी कि मुझे ब्रज जाना है, भगवान कृष्ण का जो धाम है मुझे वहाँ पर जाना है, वहाँ पर रहना है, अपने माता पिता से ये कहते थे। तो इनके माता पिता ने बच्चे की जिद मान ली कि बार बार कह रहा है तो हम चलते हैं। तो ये लोग वहाँ से आते हैं उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में आते हैं। तो यहाँ पर इनको क्या है, एक ये जो ब्रज है हमारा, यहाँ पे एक गांव है, उस गांव का नाम है नीम गांव, ठीक है। वहाँ पे ये लोग रहने लगते हैं, वहाँ पे ये लोग रहने लगते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि इनके यहाँ पे आचार्य दंडी आते हैं, दंडी जो कि आचार्य है वो इनके यहाँ ठहरते हैं। तो ये निम्बार्काचार्य है, तब तक इनका नाम नियमानंदी था, तो इन्होंने क्या किया कि उनके लिए खुद खाना बनाया, खुद खाना बनाया। तो ये इतना अच्छा अच्छा खाना बनाने लगे, और अच्छा बनाने के चक्कर में रात हो गई, मतलब कि सूर्य अस्त हो चुका था, और सूर्य अस्त हो जाने के बाद जो आचार्य दंडी आए हुए थे वो खाना नहीं खाते थे, उनका ऐसा नियम था। तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो हमारे नियमानंद जी है, इन्होंने सोचा कि मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, और जो हमारे आचार्य दंडी है वो कितनी दूर से यात्रा करके आए और वो भूखे सो जाएंगे, इस बात को सोच के ये बहुत दुखी हो गए, ये ऐसे तो अच्छा नहीं होगा, मतलब ये तो बहुत बुरी बात है मेरे लिए। तो इन्होंने क्या किया, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात और मैं ऐड कर देती हूँ, ये भगवान कृष्ण के मतलब जो सुदर्शन चक्र है ना, उसके अवतार माने जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे एक नीम का पेड़ था, और उस नीम के पेड़ के ऊपर अपने चक्र से सूर्य भगवान की तरह, मतलब सूर्य भगवान दिखाई दिए थे, दिखा दिए थे इन्होंने दंडी को, आचार्य दंडी को।
तो उनसे कहा कि देखिए अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, सूर्य भगवान दिख रहे हैं, आप नीम के पेड़ के ऊपर देखिए, मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उनको भी दिखाई दिए थे। फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, अभी तो भगवान दिख रहे हैं, तो मैं खाना खा लेता हूँ। तो इस तरीके से ये इनको खाना खिला देते हैं। ठीक है, तो खाना जब ये खा लेते हैं ना आचार्य दंडी, तो ये क्या करते हैं, अपने चक्र से जो इन्होंने सूर्य वहाँ पे बनाया था उसको हटा देते हैं। ठीक है, वो वहाँ से मतलब कि अंतर ध्यान हो जाते हैं एक तरह से। तो उसके बाद ये कहते हैं कि एक ही पल में मतलब कि आसमान में चांद तारे दिखाई दे रहे, अभी तक तो रात हुई नहीं थी और तुरंत ही रात हो गई और इतने अच्छे से चांद तारे दिखाई दे रहे, तो इसका मतलब क्या है, आप मुझे बताइए कि आप कौन हो और क्या हो। तो उस टाइम पे ये नियमानंद जी बताते हैं कि मैं भगवान के सुदर्शन चक्र का अवतार हूँ, उनको दंडी को बताते हैं ये बात। देखिए दोस्तों, निम्ब का मतलब होता है नीम, ठीक है, अर्क का मतलब होता है पेड़, आचार्य मतलब कि जो किसी चीज़ का हमें ज्ञान करवाता है, आचार्य पंडित या गुरु किसी भी नाम से इसको हम जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नीम के ऊपर सूर्य भगवान के दर्शन करवाने वाला, अर्थात अब देखिए आप इनका नाम इसीलिए पड़ा है निम्बार्काचार्य। ठीक है, निम्बार्काचार्य, अब आपको समझ में आ गई ना पूरी कहानी, जब आप इसको टुकड़े में बांटोगे ना तो इस तरीके से बटेगा, देखिए निम्ब प्लस अर्क प्लस आचार्य मतलब कि निम्बार्काचार्य। ठीक है, इनका जो बचपन का नाम था नियमानंद वो बदल के हो गया यहाँ पे निम्बार्काचार्य। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं। चलो अब आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इनके मतलब इनका जो मूल नाम है वो आरुणी है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ ये आरुणी है। ठीक है, इनके गुरु का नाम नारद है, अब गुरु का नाम तो नारद होगा ही ना दोस्तों। देखिए सबसे ऊपर आपके लिए मैंने लिखा हुआ है कि जो श्रीहंस भगवान है, भगवान श्रीहंस है, इन्होंने सनकादि को दीक्षा दी, सनकादि ने नारद को दी, अब ये जो नारद जी है इन्होंने दीक्षा दी आचार्य निम्बा को, तो ये गुरु हो गए ना आचार्य निम्बा के, तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए, लेकिन फिर से मैंने लिख दी। इनका जन्म काल है दोस्तों वो माना जाता है 1162 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पे ईस्वी है, मैं लिखना भूल गई, आप इसको ठीक कर लेना, मतलब ठीक नहीं लिख लेना। अब देखिए दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, इनका जन्म जैसा कि मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में हुआ, तो वर्तमान में मैसूर के बेल्लारी जिले के निम्बकापुर नगर में हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इनका जन्म हुआ है, तो ये आपको मालूम हो गया। लेकिन इनकी जो कर्म स्थली है, जो कर्म स्थान है, वो है ब्रजभूमि। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, अब हम आगे पढ़ते हैं। इनका जो दार्शनिक मत है ना दोस्तों, वो है द्वैताद्वैतवाद। ये आप सभी जानते हो कि द्वैताद्वैतवाद है, तो आप सोचोगे ये मैडम ने ये क्या लिख रखा है, भेदाभेदवाद। तो दोस्तों ये मैंने इसलिए लिख रखा है कि ये जो द्वैताद्वैतवाद है ना, इसका ही पुराना नाम है ये भेदाभेदवाद। ठीक है, इसका नवीन रूप माना जाता है द्वैताद्वैतवाद। तो आपको अगर ऑप्शन में कहीं पे ये ना मिले, ये मिल जाए, तो आपको ये ठीक करना है। ठीक है, इसी का पुराना रूप है ये, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब पढ़ लेते हैं हम इनके प्रमुख जो शिष्य हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए इनके शिष्यों में सबसे ज़्यादा जो फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो है श्री निवासाचार्य। ठीक है, सेकंड नंबर के जो इनके शिष्य है श्री अदुम्बराचार्य। दोस्तों इनकी छोटी सी कहानी है, स्टार इसीलिए यहाँ पे लगाया, मैं बता देती हूँ। ये जब वहाँ से आए थे अपने मतलब कि जो जन्म स्थान था वहाँ से ये जब आए थे और यहाँ पर रहने लगे, तो एक गूलर का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के भगवान का मतलब कि पूजन कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, या फिर कहूँ कि भगवान का ये ध्यान कर रहे थे। तो उसी समय दोस्तों क्या होता है कि मतलब कि जहाँ पे ये ध्यान कर रहे थे वहाँ का माहौल थोड़ा सा ऐसा था कि लोग थोड़े उद्दंडी टाइप के थे, मतलब कि थोड़े बदमाश तरीके के थे। तो ये जब ध्यान कर रहे थे तो इनका मजाक बना रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया किसी की भी तरफ। तो जिस गूलर के पेड़ के नीचे ये बैठे हुए थे, वहाँ पे एक गूलर गिरा ऊपर से, और गूलर जैसे ही गिरा ना दोस्तों, तो वो ऐसे खिला, जैसे मतलब वो बीच में से फल फटता है ना, उसी तरीके से वो फटा, और उसमें से माना जाता है कि ये जो इनके शिष्य है ना श्री औदम्बराचार्य, इनका जन्म हुआ उस गूलर में से, इसीलिए इनका नाम औदम्बराचार्य है, क्योंकि जो गूलर होता है ना उसको औदम्बर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, औदम्बर भी बोलते हैं, इसीलिए इनका नाम ये पड़ा है। तो इसके पीछे की कहानी ये है, इस ये सुदर्शन चक्र के अवतार थे, इसीलिए ये कुछ भी कर सकते थे। तो उसके बाद ये जो इनके शिष्य है, इन्होंने काफ़ी इनके जो हमारा कृष्ण काव्य है, या फिर ये जो सिद्धांत में चलती थी भक्ति भावना, उसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तीसरे नंबर के इनके शिष्य है वो है श्री गौरमुखाचार्य,
और चौथे नंबर के है वो है श्री लक्ष्मण भट्ट। तो चार इनके शिष्य हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ते हैं। ये है इनकी प्रमुख रचनाएं, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। वेदांत पारिजात सौरभ है, इसको ब्रह्मसूत्र प्रवृत्ति इस नाम से भी कहीं कहीं पे ये लिखी हुई मिलती है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। दस सलोकी है, श्री कृष्ण स्तव वराज है, मंत्र रहस्य षोडशी है और प्रपन्न कल्पवल्ली है। ठीक है दोस्तों, ये इनकी पांच रचनाएं हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन कभी बाई चांस पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी इनकी रचना नहीं है। दोस्तों मैं विस्तार से इसलिए पढ़ा रही हूँ कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से कर सको। ठीक है, इसीलिए करवा रही हूँ, बाकी इतनी डिटेल में कोई भी आपको करवाएगा नहीं इन चीज़ों को। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिए, इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, ये बता चुकी हूँ आपको चर्चा में। अत्यंत सुंदर होने के कारण इनका नाम सुदर्शन भी था। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा सुंदर थे बचपन से ही, इसीलिए इनका नाम सुदर्शन भी माना जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है, ये राजस्थान के सलेमाबाद अजमेर में है, यहाँ पर स्थित है इनकी सबसे बड़ी गद्दी। ठीक है, अब देखिए इस गद्दी को है ना, ये आचार्य परशुराम है, ये निम्बार्क संप्रदाय की ये गद्दी है, ये पहले ब्रज में ही थी, वहाँ से ये आचार्य परशुराम इसको लेकर के राजस्थान आ गए थे। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आजकल पूछ लिया जाता है। वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है, अब पढ़ते हम आगे। इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा एवं कृष्ण के युगल रूप की उपासना की जाती है। इस रूप में राधा को कृष्ण का वामांग यानी कि बाईं ओर दर्शाया गया है। दोस्तों इसमें जो भगवान कृष्ण और राधा की जो युगल मूर्ति होती है ना, आधे आधे जिसमें रहते हैं भगवान कृष्ण और राधा जी, उसकी उपासना की जाती है युगल रूप की। इस रूप में जो राधा जी है वो बामांग में रहती है, मतलब कि बाईं ओर रहती है कृष्ण जी के, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इस संप्रदाय की सर्वप्रथम उपदेष्टा आचार्य हंस है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि सबसे पहले इस संप्रदाय की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो आचार्य हंस को जाता है, क्योंकि वहाँ से ही इस ये जो कड़ी है हमारी, इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आचार्य हंस, भगवान हंस भी इनको बोल सकते हैं, क्योंकि ये भगवान हंस ही है, यहाँ पे आचार्य का नाम से भी इनको पुकारा जाता है। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय के और भी कवि थे दोस्तों, इसमें कौन कौन से है, श्री भट्ट है, इनकी जो रचना है उसका नाम भी हमें यहाँ पे याद करना है, युगल शतक है, आदि वाणी है। ठीक है, हरि व्यास देव है, इनकी रचना है महावाणी, और तीसरे नंबर पर है परशुराम देव, इनकी रचना है परशुराम सागर। दोस्तों ये वो ही परशुराम देव है जो हमारी जो गद्दी थी निम्बार्क संप्रदाय की, उसको ब्रज से राजस्थान ले गए थे। ठीक है, ये वो ही परशुराम देव है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों यही महत्वपूर्ण बातें थी निम्बार्क संप्रदाय के बारे में जो मैंने आपको बता दी है। और इस वीडियो को देखने के बाद निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सभी तथ्य आपके लिए रखे हैं। कम से कम ये मान लो कि पांच किताबों में से मैंने इकट्ठा करके इनको यहाँ पे रखा है। और दोस्तों तथ्य तो आप कहीं से भी जुटा सकते हो, गूगल से ले सकते हो, नई नई किताबें खरीद के कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन चीज़ों को समझना और उनको अच्छे तरीके से समझाना बहुत, मतलब कि इतना आसान नहीं होता उनको। देखिए हिंदी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किताब उठाई और पेड़ पर लेट गए और आपने पढ़ ली। हिंदी को भी इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है, इसमें भी सूत्र होते हैं पढ़ने के। ठीक है, तो उस तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आसानी से चीज़ें जल्दी से समझ में आएंगी। चलो दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। दोस्तों अभी गुड नाइट हो रही है, आप इस वीडियो को देखोगे तो सुबह देखोगे। ठीक है, बाय बाय।